3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था होगी जहां टीकाकरण केंद्र होगा वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों का टीका लगेगा उसका सेंटर यानी CVC जो है वो अलग होगा। और यही देखने के लिए हम आए हैं कि किस तरह की व्यवस्था दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है। हमारे साथ डॉक्टर नीलम रॉय मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर की। मैम, किस तरह की व्यवस्था है? RML हॉस्पिटल में 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, 2, 3। तो जैसे आप देखेंगे अभी साइट 1 जो है उसका एंट्री बिल्कुल अलग है, वो हमने बच्चों के लिए डेडिकेट किया है जहाँ पर सिर्फ 15 से लेके लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चों को वैक्सीनेशन होगा। तो एंट्री पर ही उनका चेक किया जाएगा एज, और वैसे भी साइट 1 पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15+ का ही होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15+ ही आएंगे। और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होगा तो उसके लिए हमारे वॉलेंटियर्स बाहर रहेंगे, वो पहले चेक कर लेंगे एज ग्रुप और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या ऑन साइट है, फिर अकॉर्डिंगली उनको साइट 1 में अंदर कंप्यूटर पे कोविन पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा और वैक्सीनेट किया जाएगा। मैम, उसके बाद जो प्रक्रिया है कि उनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा आधे घंटे के लिए, तो क्या उसके लिए भी अलग से एरिया है या वो? तो वैक्सीनेशन होने के बाद ये जो एरिया है ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, तो यहाँ पर आधा घंटा वेट करके फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी एनेस्थीसिया की टीम रहती है जो कि उनको ऑब्जर्व करती है सब बेनिफिशरीज़ को आफ्टर वैक्सीनेशन, किसी में कोई साइड इफ़ेक्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे हमारा 1-बेड ICU भी यहाँ पर है, यहाँ पे वेंटिलेटर भी है, मॉनिटर भी है और क्रैश कार्ट भी है जिसमें सारी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है जहाँ पर 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2 और साइट 3। तो साइट 1 जो है ये डेडिकेटेड है 15 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए, और ये साइट 1 के लिए यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ पर जगह जगह जो है उसके लिए व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। यहाँ लिख दिया गया है कि ये जो सेंटर है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर इस एज ग्रुप का जो है वैक्सीनेशन होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होगा जिसके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं, और एज ग्रुप को चेक करने के बाद जो है उसको अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पर जो है टीका लगाया जाएगा, और उसके बाद जो आधे घंटे की प्रक्रिया होती है कि टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एरिया होगा जहाँ पर वो बच्चे यहाँ पर इंतज़ार करेंगे टीका लगने के बाद, और आधे घंटे बाद वो यहाँ से जा सकेंगे। तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू होगा उसके लिए तैयारियाँ कर दी गई हैं, और इसको लेकर किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति ना हो उसके लिए एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही अलग रखे गए हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर जो है इस बारे में सूचनाएं भी लगा दी गई हैं कि ये जो सेंटर का ये साइट होगा ये 15 से 18 आयु वर्ग के लिए है, जैसा सामने आप देख पा रहे हैं। क्या कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उसकी जानकारी भी उस पर लगा दी गई है, और इसकी एंट्री एग्जिट के अलावा यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस का स्टाफ भी मौजूद रहेगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन उस दिन ना रहे और आगे भी ना रहे। कैमरामैन मोहित कास्ते के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।